हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं नाइन्थ क्लास साइंस का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है मैटर इन अवर सराउंडिंग। चैप्टर का नाम है मैटर हमारे चारों तरफ। तो जो हमारे चारों तरफ मैटर है आज हम उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैटर क्या होता है। तो जितनी भी चीज़ें हम अपने चारों तरफ देखते हैं वो सभी के सभी मैटर होते हैं। तो मैटर को बात करें, जिन भी चीज़ का मास होता है और जो जगह घेरती है वो सब के सब मैटर होती हैं। तो एनी थिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। जो भी चीज़ का जिन भी चीज़ का मास होता है और जो जगह घेरती हैं वो सब के सब मैटर होती हैं। अब बात करें जैसे इस मार्कर की, तो इसका अपना मास है और ये जगह भी घेर रहा है। तो या फिर इस बोर्ड की जिसका मास है ये जगह भी घेर रहा है, तो ये सब के सब मैटर के एग्जाम्पल हैं। अब डेफिनेशन लिखते हैं मैटर की, जो कि है तो मैटर की डेफिनेशन है एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। कोई भी चीज़ जिसके पास मास होता है और जो जगह घेरती है वो मैटर कहलाती है। जो मैटर होता है, जैसे इस बोर्ड की बात करते हैं, तो ये बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना होता है। ये पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं जिनको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। तो इस चीज़ को लिखते हैं, तो जो मैटर होता है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। और एग्जाम्पल है मैटर के, तो मैटर के एग्जांपल हैं पेन, बुक, बैग, वाटर, एयर। जितनी भी चीज़ें हम अपने चारों तरफ देख रही हैं वो सभी के सभी मैटर के एग्जांपल हैं। और ये सब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी हुई होती हैं। अब जैसे पेन की बात करते हैं, पेन भी बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। और ये पार्टिकल जो होते हैं, ये जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इन्हें पढ़ते हैं अभी। तो जो सबसे पहली करेक्टरिस्टिक्स होती है, इन जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनसे मैटर बना हुआ होता है, कोई भी मैटर, पेन या बुक या बैग या जितनी भी चीज़ें हमें दिख रही हैं, उनकी सबसे पहली प्रॉपर्टी है ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये हमेशा मूव करते रहते हैं। तो जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो हर वक्त मूव करते रहते हैं। ये पहली करेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल्स की। अब दूसरी करेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल्स की, ये जो होते हैं पार्टिकल्स, इनके बीच में गैप होता है। जो पार्टिकल्स होते हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिनसे कोई भी मैटर बना हुआ है, इनके बीच में स्पेस होता है या गैप होता है। तो दूसरी करेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल्स की, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में स्पेस होता है। और जो थर्ड है वो है कि पार्टिकल्स होते हैं जो मैटर के, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये तीन करेक्टरिस्टिक्स होती हैं पार्टिकल्स की, जिनसे मैटर बना होता है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो पहली है पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव ऑल द टाइम। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर्स के वो हमेशा मूव करते रहते हैं। दूसरी है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के जिनसे ये मैटर बना हुआ है, कोई भी वो छोटे छोटे पार्टिकल्स, ये इनके बीच में स्पेस होता है। तीसरी है पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अभी हम इन तीनों को और भी डिटेल में पढ़ेंगे वन बाई वन करके, पहले आप इतना सब नोट कर लीजिए। तो पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के वो हमेशा मूव करते रहते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव ऑल द टाइम, इस चीज़ को हम एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। हम एक गिलास लेते हैं, उसके अंदर वाटर भरते हैं, और वाटर जब बिल्कुल शांत हो जाता है, जब बिल्कुल हिलता नहीं है, और उसमें इंक डाल देते हैं, जो इंक होती है वो थोड़ी देर बाद पूरे गिलास में जिस भी कलर की इंक होती है उस कलर को फैला देती है। हमने पानी को बिल्कुल नहीं हिलाया, लेकिन इंक के पार्टिकल्स जो हैं वो खुद मोशन करते हैं, वो पूरे वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके साथ मिक्स हो जाते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट में ये गिलास है और ये वाटर है, ये हमने इंक डाली इसमें, और ये इंक के पार्टिकल्स हैं जो कि खुद ब खुद पूरे गिलास में मिक्स हो गए, पूरे गिलास के पानी में मिक्स हो गए। इससे पता चलता है जो कि पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो हमेशा मूव करते रहते हैं। या फिर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपने परफ्यूम लगाया रूम में, तो वो परफ्यूम जो होता है रूम में एक कोने में लगाते हैं, लेकिन वो पूरे रूम में फैल जाता है। जो पार्टिकल्स होते हैं परफ्यूम के वो पूरे रूम के में जो एयर होती है उसके पार्टिकल के साथ मिक्स होते हैं और पूरे रूम में फैल जाते हैं। इसी चीज़ को डिफ्यूज़न बोलते हैं। डिफ्यूज़न तो डिफ्यूज़न एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, दो अलग अलग मैटर के पार्टिकल्स हैं, वो एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर हो रहा है, ये एक अलग मैटर है, ये एक अलग मैटर है, दोनों मैटर के पार्टिकल्स यहाँ पे मिक्स हो जा रहे हैं, तो इसको डिफ्यूज़न बोलते हैं। या रूम में जैसे हमने परफ्यूम लगाया तो वो पूरे रूम में फैल गया, इसी को डिफ्यूज़न बोलते हैं। डिफ्यूज़न जो होता है वो सबसे
कम होता है सॉलिड के अंदर, जो डिफ्यूजन होता है वो सबसे कम सॉलिड के अंदर होता है, फिर लिक्विड के, फिर गैस के अंदर होता है। तो इन चीज़ों को अभी सॉलिड लिक्विड और गैस को अभी मैं आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस इतना याद करो। तो सॉलिड में सबसे कम डिफ्यूजन होता है, लिक्विड में उससे कम उससे ज़्यादा होता है, और गैस में सबसे ज़्यादा होता है। तो जो मूवमेंट्स होता है इनके पार्टिकल्स का, गैस में सबसे ज़्यादा होगा और लिक्विड में उससे कम, और सॉलिड में उससे कम। सबसे कम सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड, फिर उसके बाद गैस। सबसे ज़्यादा गैस में होता है और सबसे कम सॉलिड में होता है। स्पीड होती है पार्टिकल्स के मूवमेंट करने की, वो हीट पे भी डिपेंड करती है। जैसे जितनी जितनी हीट बढ़ती है उतनी उतनी स्पीड बढ़ जाती है मूवमेंट होने की, डिफ्यूज़न होने की। डिफ्यूज़न स्पीड पे, उस हीट पे डिपेंड करता है। जैसे 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 हीट बढ़ती है ऐसे ऐसे डिफ्यूज़न का रेट भी बढ़ जाता है। आपने देखा होगा जब जैसे खाना बनता है, जब गर्म होता है तो उसमें एकदम दूर तक खुशबू चली जाती है उसकी, लेकिन जब ठंडा होता है तो नहीं जाती है। तो जैसे जैसे हीट बढ़ती है ऐसी ऐसी मूवमेंट बढ़ जाता है पार्टिकल्स का, और डिफ्यूज़न का रेट भी बढ़ जाता है। तो लिखते हैं, तो जैसे जैसे हीटिंग बढ़ती है ऐसी ऐसी पार्टिकल्स के मूवमेंट की स्पीड भी बढ़ जाती है। तो जो सेकंड करेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल्स की वो ये है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, जो पार्टिकल्स जिनसे मैटर बना होता है उनके बीच में स्पेस होता है। इस चीज़ को हम एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में हम एक गिलास में पानी लेते हैं और उसमें सॉल्ट को पानी लेकर जो इतना भी उसका वाटर लेवल होता है उसको मेजर कर लेते हैं। फिर बाद में उस पानी में हम सोल्ट मिलाते हैं। तो होना चाहिए था कि जो सोल्ट मिलाने से जो वाटर लेवल था वो इंक्रीज़ हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो वाटर लेवल होता है वो उतना ही रहता है जितना पहले था, जितना पानी लेने से पहले था। इसमें यहाँ पर ये वाटर है, ये गिलास है और ये वाटर है, ये हमने वाटर लेवल मेज़र किया इतना है, लेकिन उसके बाद में हम ये सोल्ट मिलाते हैं उसमें और वो सोल्ट वाटर के अंदर मिक्स हो जाता है, और बाद में फिर जितना भी वाटर लेवल रहता है जितना शुरू में था उतना ही लास्ट में रहता है। तो इससे पता चलता है जो सोल्ट के पार्टिकल्स हैं वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो गैप है उसके गैप के बीच में आ जाते हैं और उस गैप को फिल कर देते हैं। इसलिए जो वाटर लेवल है पानी का वो बिल्कुल भी राइज नहीं होता है। तो इसको लिखते हैं, द पार्टिकल्स ऑफ सोल्ट गेट बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। जो पार्टिकल्स हैं सोल्ट के वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है उस स्पेस को फिल कर देते हैं और उस स्पेस के बीच में आ जाते हैं। तो इससे पता चलता है जो मैटर होता है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। तो थर्ड करेक्टरिस्टिक्स ये है पार्टिकल्स की, जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो भी मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कोई भी मैटर है, जैसे इस बोर्ड की बात करते हैं, ये मैटर है और ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। ये सब पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और सब में एक फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और कोई भी पार्टिकल फिर इस बोर्ड से बाहर नहीं जाता है। या फिर एक एग्जाम्पल के लिए इस मार्कर की बात करें, जैसे ये भी मैटर है और ये पार्टिकल से बना हुआ है, तो इसके पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और इसी अट्रैक्शन की वजह से ये मैटर है ये बना रहता है। तो इस चीज़ को मैटर हेल्ड टुगेदर बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। जो भी मैटर है वो इसी वजह से, जो ये करेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल्स की, जो पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसी वजह से कोई भी मैटर बना रहता है। और ये जो फोर्स होता है, इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, इस फोर्स की वजह से ही सारे पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं। और ये अट्रैक्शन का फोर्स सबसे ज़्यादा सॉलिड में होता है और फिर लिक्विड में होता है, और गैस में बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम लिक्विड में होता है और गैस में बहुत कम होता है। जब इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो पार्टिकल अट्रैक्ट नहीं करते हैं गैस में बिल्कुल भी, तभी इसके पार्टिकल गैस के बहुत दूर दूर रहते हैं और लिक्विड के पार्टिकल पास पास रहते हैं, और सॉलिड के पार्टिकल बहुत ही ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है इसलिए बिल्कुल एकदम फिक्स पोजिशन पर रहते हैं। तो अब बात करेंगे कि मैटर को कैसे क्लासीफाई किया गया है। तो मॉडर्न डे साइंटिस्ट ने मैटर को फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर कैसे क्लासिफाई किया गया है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर मैटर को थ्री स्टेट में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसेस स्टेट। तो लिखते हैं इनको। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस में मैटर को थ्री स्टेट में क्लासिफाई किया गया है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। अब बात करते हैं मैटर को केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे कैसे क्लासिफाई किया गया है।
तो केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे मैटर को एलिमेंट, मिक्सचर और कंपाउंड में क्लासिफाई किया गया है। तो एलिमेंट, मिक्सचर और कंपाउंड, इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर है जो कि है इज मैटर अराउंड अस प्योर, लेकिन इस चैप्टर में मैटर इन आवर सराउंडिंग, इसमें हम सॉलिड, लिक्विड और गैस इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बात करते हैं सॉलिड्स की, तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं सॉलिड्स की। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है सॉलिड्स की वो ये है कि जो सॉलिड होते हैं उनका एक फिक्स शेप होता है और एक फिक्स वॉल्यूम होता है। तो लिखते हैं इसको, तो सॉलिड हैव अ फिक्स शेप एंड अ फिक्स वॉल्यूम। जो सॉलिड्स होते हैं उनका एक फिक्स शेप होता है और एक फिक्स वॉल्यूम होता है। एग्जाम्पल के लिए बात करें, जैसे ये मार्कर है, इसका एक फिक्स शेप है, इसका ये शेप रहता है, कहीं भी इसको रखो तो यही शेप रहेगा, एक इसका फिक्स शेप है। और वो वॉल्यूम है इसका, वो भी फिक्स है। आप इसे यहाँ पे रूम में पकड़ रखा है, हमने यहाँ रख रखा है, या फिर बैग में रखें या फिर किसी बॉक्स में रखें, तो भी जितना ये वॉल्यूम यहाँ पर घिर रहा है उतना ही वहाँ पर भी घिरेगा। तो इसका एक फिक्स वॉल्यूम है और इसका एक इसका फिक्स शेप है। तो इसका एक फिक्स वॉल्यूम है और एक फिक्स शेप है। तो अब बात करते हैं जो सेकंड प्रॉपर्टी है सॉलिड्स की, वो है कि जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड्स के, जिनसे सॉलिड्स मिलके बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना होता है कोई भी मैटर, तो सॉलिड भी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना होता है। तो ये पार्टिकल जो होते हैं सॉलिड के वो बहुत ही टाइटली बाउंडेड रहते हैं। तो जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के वो बहुत ही टाइटली बाउंडेड रहते हैं। और जो थर्ड प्रॉपर्टी है सॉलिड्स की वो यह है, जो सॉलिड होते हैं वो कंप्रेस नहीं किए जा सकते हैं, सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। तो इसको लिखते हैं, तो जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड के वो बहुत पास पास होते हैं और जो उनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता है, तो इसलिए हम सॉलिड को बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। चाहे कितना भी प्रेशर लगाएं, जब स्पेस ही नहीं है पार्टिकल्स के बीच में, बहुत पास पास हैं, तो कंप्रेस हो ही नहीं सकते हैं। तो जो फोर्थ प्रॉपर्टीज है, बात करते हैं उसकी सॉलिड्स की, वो यह है कि जो पार्टिकल जो सॉलिड होता है उसमें बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में हाईएस्ट होता है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी है सॉलिड हैव हाईएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसे अभी हमने पीछे पढ़ा था, जो सॉलिड होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जो सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सॉलिड में होता है। यही वजह है कि सॉलिड जो होता है वो फ्लो नहीं कर सकता है, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे को बहुत ही फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं और वो फ्लो नहीं हो सकते हैं। तो इस चीज़ को लिखते हैं, तो सॉलिड फ्लो नहीं हो सकता है, सॉलिड डू नॉट फ्लो। तो अब एग्जांपल की बात करते हैं सॉलिड के, जो जितने भी हम चीज़ें देख रहे हैं जिनका एक फिक्स शेप है और एक फिक्स्ड वॉल्यूम है, वो सब सॉलिड के एग्जांपल हैं। जैसे बात करें टेबल या पेन या बुक या बैग, जितनी भी चीज़ें हमें दिख रही हैं जिनका फिक्स शेप है और एक फिक्स्ड वॉल्यूम है, लिखते हैं। तो सॉलिड के एग्जांपल हैं पेन, पेन का एक फिक्स शेप होता है और फिक्स वॉल्यूम भी है, बुक, बुक का भी फिक्स शेप होता है और फिक्स वॉल्यूम है, बैग और टेबल। तो अब बात करते हैं लिक्विड्स की, तो सबसे पहले जानेंगे कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं लिक्विड्स की। तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है लिक्विड्स की वो ये है कि जो लिक्विड होता है उसका कोई भी फिक्स शेप नहीं होता, लेकिन वॉल्यूम जो होता है लिक्विड्स का वो फिक्स होता है। तो लिखते हैं इस चीज़ को, तो लिक्विड डू नॉट हैव फिक्स शेप बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। जो लिक्विड्स होता है उनका कोई भी फिक्स शेप नहीं होता, लेकिन उनका वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स होता है। एग्जांपल के लिए जैसे वाटर को लेते हैं, जो वाटर होता है उसका जो शेप होता है, जिस भी हम कंटेनर में रखते हैं वो उसी कंटेनर का शेप ले लेता है, लेकिन उसका अपना कोई भी शेप नहीं होता है। लेकिन जो उसका वॉल्यूम होता है, जैसे एक लीटर वाटर है तो वो एक लीटर ही रहेगा चाहे हम उसे कहीं भी रखें। तो अब जो सेकंड प्रॉपर्टी है लिक्विड्स की उसके बारे में बात करते हैं। जो सेकंड प्रॉपर्टी है लिक्विड्स की वो ये है कि जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड्स के वो लूजली अरेंज रहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड्स के वो लूजली अरेंज हैं, जबकि सॉलिड में जो पार्टिकल थे वो बहुत टाइटली अरेंज थे। तो लिखते हैं इसको, तो जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड्स के वो लूजली अरेंज रहते हैं। जो थर्ड प्रॉपर्टी है लिक्विड्स की वो ये है कि लिक्विड्स को हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस बहुत ही ज़्यादा कम होता है, तो हम उसको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी है लिक्विड्स की वो यही है, लिक्विड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। जो लिक्विड्स होते हैं उनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, जो स्पेस है वो बहुत ही कम है, अगर हम खूब ज़्यादा भी प्रेशर लगाएंगे तो बस बहुत थोड़ा सा ही उसको कंप्रेस कर सकते हैं। जो फोर्थ प्रॉपर्टी है लिक्विड्स की वो ये है कि जो लिक्विड्स है वो आसानी से फ्लो कर सकता है। जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड्स के वो लूजली अरेंज हैं, तो टाइटली अरेंज नहीं है, तो इसलिए ये जो पार्टिकल्स हैं वो आसानी से फ्लो कर सकते हैं, और इन्हें लिक्विड्स को इसलिए फ्लूइड्स भी कहते हैं। तो लिखते हैं इसको,
तो फोर्थ प्रॉपर्टी यही है, लिक्विड्स कैन बी फ्लो इजिली, लिक्विड्स आसानी से फ्लो कर सकते हैं। और जो एग्जांपल है लिक्विड्स के उसको लिखते हैं। तो लिक्विड के एग्जांपल होते हैं वाटर, मिल्क, जूस एसेट्रा, जो भी चीज़ मतलब जिसका फिक्स शेप नहीं होता है और लेकिन जो उसका फिक्स वॉल्यूम होता है वो सब के सब लिक्विड के एग्जांपल है। मैंने ये तीन लिक्विड्स के एग्जांपल लिखे हैं, आप जितने चाहें उतने लिख सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे वाटर की बात करें, तो जैसे वाटर होता है उसका फिक्स शेप नहीं होता है कुछ भी, लेकिन उसका फिक्स वॉल्यूम होता है। और पार्टिकल जो होते हैं वाटर के वो लूजली अरेंज रहते हैं और वाटर फ्लो भी कर सकता है, ऐसे ही मिल्क ऐसे ही जूस भी फ्लो कर सकता है। तो ये सब के सब लिक्विड के एग्जाम्पल हैं। तो अब बात करते हैं गैसेस की। तो सबसे पहले बात करेंगे कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं गैसेस की। तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है गैसेस की वो ये है कि जो गैसेस होती हैं ना तो उनका कोई फिक्स शेप होता है ना ही उनका कोई फिक्स वॉल्यूम होता है। तो सबसे पहले लिखते हैं इसको। तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है गैसेस की वो ये है, तो गैसेस हैव नाइदर फिक्स शेप नॉर फिक्स वॉल्यूम। तो गैसेस का ना तो कोई फिक्स शेप होती है ना ही कोई फिक्स वॉल्यूम होती है। एग्जांपल के लिए जैसे कोई भी गैस है, जो भी आप उस कंटेनर को रखो में रखोगे वो उसी का शेप ले लेगी और उसका अपना कोई भी शेप नहीं होगा। और ऐसी वॉल्यूम में आप उसे छोटे कंटेनर में रखेंगे तो वो उसको भी उसका वॉल्यूम ले लेगी, और जो बड़े कंटेनर में रखेंगे तो उसको भी पूरी तरीके से फिल करके उसका वॉल्यूम ले लेगी। तो गैसेस का ना तो कोई फिक्स शेप होता है ना ही कोई फिक्स वॉल्यूम होता है। बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की गैसेस की। तो जो सेकंड प्रॉपर्टी गैसेस की है, जो पार्टिकल्स होते हैं गैसेस के वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। तो लिखते हैं, तो जो सेकंड प्रॉपर्टी है गैसेस की वो ये है, पार्टिकल्स ऑफ गैसेस आर सेपरेटेड बाय लार्ज डिस्टेंस। जो पार्टिकल्स होते हैं गैसेस के वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं गैसेस के वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर है, उनके बीच में बहुत स्पेस है। तो इसी प्रॉपर्टी की वजह से गैस जो होती है वो बहुत आसानी से कंप्रेस करी जा सकती है। तो लिखते हैं इसको। तो जो थर्ड प्रॉपर्टी है गैसेस की वो यही है, गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इजिली। जो गैसेस होती हैं जिनमें स्पेस होता है बहुत ज़्यादा, पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, तो इसी वजह से थोड़ा सा भी प्रेशर लगाएंगे तो ये आसानी से कंप्रेस हो जाती हैं। चौथी प्रॉपर्टी है गैसेस की वो ये है, जो गैसेस होती है वो आसानी से फ्लो कर सकती है। तो लिखते हैं इसको। तो गैसेस आसानी से फ्लो हो सकती हैं, जो लिक्विड है वो भी आसानी से फ्लो हो सकता है और गैसेस भी। तो ऐसी लिक्विड और गैसेस दोनों को हम फ्लूइड बोलते हैं। तो अब एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं गैसेस के। तो एग्जाम्पल हैं, तो गैसेस के एग्जाम्पल हैं एयर, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। तो जैसे एयर की बात करते हैं, तो एयर है जो ना तो इसका कोई फिक्स शेप है ना ही कोई इसका फिक्स वॉल्यूम है। तो इसके पार्टिकल्स भी एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। ऐसी वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, जितनी भी गैसेस होती हैं सबका ना तो किसी का फिक्स शेप होता है ना ही कोई फिक्स वॉल्यूम होता है। उनके पार्टिकल्स भी एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं और ये आसानी से कंप्रेस करी जा सकती हैं और ये फ्लूड्स होते हैं और ये आसानी से फ्लो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं। अगली क्लास में हम जो टेम्परेचर और प्रेशर से क्या क्या इफेक्ट पड़ता है मैटर के स्टेट पे, कैसे मैटर की स्टेट चेंज होती है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन आता है उसको भी दबा देना और कमेंट भी कर देना।